बांदा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक रिहायशी इलाके में एक मकान में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली देहात के मवई बुजुर्ग गांव का है, जहां रविवार को एक मकान में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरा घर जलकर राख हो गया। इस दौरान आग बुझाने के चक्कर में दो लोग भी झुलस गए और एक भैंस की मौत हो गई। अग्निकांड में एक गरीब की जिंदगी भर की कमाई पूंजी जलकर राख हो गई। आग में झुलसे दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीमान जी कोई नहीं थे, मौके में बाहर थे, या पता नहीं आग कैसे लगी। आग क्या लगने लगी जी, तो ये बताइए किस तरह नुकसान हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ? अब श्रीमान जी लगभग 15-20 लाख के तो अटकर कहा ही है। भैंस है, दुकान भी रखे रहे हैं, सामान है। अच्छा, भैंस जल गई? हाँ जी सर, भैंस जल गई, दुकान पूरी जल गई, पूरा छप्पर छत्तर जल गया, लकड़ी का अंडा सब जल गया, गल्ला जल गया, लाही जल गई, चना रखा था, गेहूँ भी कुछ खाने पीने का सब जल गया, पूरा गृहस्थी सब जल गई। गृहस्थी पूरी जल। और कोई जान माल का खतरा? कोई बच्चे अच्छे जले? बच्चे जले, लड़का वही बेनी जल गया, उसके कुछ दुकान के उसके जो है तो आग काफी लग गई है। वो भैंस छोड़ने आया है बेनी, तो बेनी भी जल गया। अच्छा, बेनी भी जल गया जी। और लड़का जो है तो काफी मजे का सुलग गया है पैर वायर में। ये मवाई बुजुर्ग है और यहाँ बल्लू विश्वनाथ के जो है मकान में आज दोपहर में लगभग 3 बजे आग लग गई है अज्ञात कारणों से, जो है जिसमें उसकी एक भैंस झुलस के मर गई है। और भैंस को बचाने में जो है बल्लू और उसकी पत्नी जो है आंशिक रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।